वेलकम टू स्कूली कनेक्ट। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि स्कूल ऐप के अंदर एज अ सब्जेक्ट टीचर हम अपना गूगल फॉर्म पे जो हमने टेस्ट बनाया है उसका लिंक बच्चों के साथ कैसे शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हमें करना क्या है, जस्ट अपनी ऐप को लॉगिन करना है और अपने उस लिंक को जो हमने फॉर्म बनाया है उस लिंक को कॉपी करके और वहाँ पे अपनी क्लास और सेक्शन के अकॉर्डिंगली उस लिंक को शेयर करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपका जो गूगल फॉर्म है वो आपकी ड्राइव में पड़ा होगा जो आपने बनाया होगा। ठीक है, तो आपने ड्राइव ओपन करना है। ड्राइव ओपन करके आपने अपने रीसेंट वाली लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आपकी रीसेंट फाइल्स होंगी, जो सबसे लेटेस्ट आपकी बनाई होगी वो सबसे पहले दिखेगी आपको। जैसे मैंने जनरल नॉलेज का यहाँ पे एक फॉर्म बनाया था, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने उसको ओपन किया, वो मेरे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं उसको पिंच करके अनजूम करूँगा। ठीक है, फिर मेरा राइट कॉर्नर पे जो एरो का साइन आ रहा है हमारा, इस एरो के साइन पे मैं क्लिक करूँगा। देन मैं फिर से पिंच करके अनजूम करके सेंटर वाले लिंक वाले बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, सेंटर वाला जो हमारा टैब है इसको ओपन करूँगा मैं। देन देखिए आपके पास लिंक शो हो रहा है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको अपना URL शॉर्टन नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने जैसे चेक किया ये नहीं होना चाहिए, अनचेक ही रहना चाहिए। ठीक है, ये जैसे पूरा URL आ रहा है इसी को आपने देखना है और इसको आपने कॉपी का बटन पे क्लिक कर देना है। जब ये कॉपी का बटन क्लिक हुआ तो इसका मतलब वो कॉपी हो गया है। बस अब आपको क्या करना है, जस्ट अपनी ऐप लॉगिन करनी है, अपनी ऐप लॉगिन करनी है एज अ सब्जेक्ट टीचर और ऑनलाइन एग्ज़ाम में जाना है आपको। ऑनलाइन एग्ज़ाम में जस्ट क्या करना है, आपकी क्लास सिलेक्ट करनी है, देन सेक्शन सिलेक्ट करना है, देन स्टार्ट डेट एंड टाइम। स्टार्ट डेट एंड टाइम में क्या करना है, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 29 को मॉर्निंग में 10 AM में है तो आपने टाइम पूरा सिलेक्ट करना है 10 AM। ओके, देन एंड टाइम क्या है उसका, 29 बोल रहा था, 19 है ये। ठीक है, 19 को आपका एंड टाइम है 11 o'clock। ठीक है, मॉर्निंग में 11 o'clock। ओके, तो मैंने डेट एंड टाइम सेट कर दिया, 19:10 o'clock पे आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 11 o'clock पे आपका एग्ज़ाम एंड हो जाएगा। ठीक है, देन स्टेटस उसका एक्टिव रखना है। देन टाइटल में क्या करना है, जैसे मैथ्स PT1 एग्ज़ाम, लाइक ऐसा कोई भी टाइटल जो आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड टाइटल हो वो है। अच्छा, URL हम कॉपी कर चुके हैं, वहाँ से हम कॉपी करके आए थे, हमने बस यहाँ पे URL में होल्ड करके रखना है, तो एक सेकंड दो सेकंड के लिए, देन पेस्ट का ऑप्शन आएगा, हम पेस्ट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही हमारा ये ऑटोमेटिक पेस्ट होता है, हमने क्या करना है, नोट पे ऐसे क्लिक कर देना है, नोट के ऊपर क्लिक कर देना है। देन नोट में आप कुछ डालना चाहते हैं, कुछ भी, जैसे यू हैव टू डू समथिंग या जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी आपकी वो नोट में आ जाएंगी। देन आप सेव गूगल फॉर्म पे आप क्लिक, गूगल फॉर्म टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे, देन ये गूगल फॉर्म टेस्ट सेव हो जाएगा और बच्चों के पास चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों के पास वो जैसे आपने एग्ज़ाम अगर पहले से ही सेट कर दिया है तो वो अभी मतलब अपकमिंग एग्ज़ाम में शो करेगा उसको। ठीक है, तो अगर देखते हैं, हमने आपने जो एग्ज़ाम सेट किए हुए हैं ऑलरेडी वो कहाँ दिखेंगे आपको, आपने देखो मैं दोबारा से दिखाता हूँ, होम स्क्रीन पे आता हूँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम पे क्लिक करोगे, ये जो राइट कॉर्नर में टॉप राइट कॉर्नर पे एक रेड कलर का आई बना हुआ है, आई सिंबल, ये व्यू के लिए ऑप्शन है। व्यू पे मैं आई सिंबल पे क्लिक करूँगा तो ये जो वो एग्ज़ाम है जो मैंने सेट किए हुए हैं, किस डेट को किस टाइम पे मेरा एग्ज़ाम है वो मैंने सेट किया हुआ है। उसमें देखो लिंक के आगे लिखा हुआ है चेक लिंक, चेक लिंक पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा जो आपने सेट किया होगा। ओके, देन राइट साइड में जो रेड कलर का बटन है उसमें क्या है, व्यू एडिट एंड डिलीट। अगर आप व्यू करते हैं तो वो एग्ज़ाम का सिस्टम जो आपका है, जो डिटेल है वो व्यू हो जाएगी। एडिट पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए आपने टाइटल में कुछ मिस्टेक कर दी, आप टाइटल ठीक करना चाहते हैं, नोट ठीक करना चाहते हैं या डेट टाइम सेट करना चाहते हैं, दोबारा से आपने कुछ गलती कर दी है तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर लगता है आपको एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो आप उसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं डिलीट ऑप्शन से। ठीक है, ये हमारा व्यू ऑप्शन था। ऐसे ही टॉप राइट पे आपका प्लस का ब्लू कलर का बटन है, प्लस का प्लस बना हुआ है, उस पर अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो दोबारा से उसी लोकेशन पे आएगा जहाँ से हमने एग्ज़ाम को ऐड करना है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।